भैया उल्लू है, उल्लू। देखी 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 देखी। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों देखिए आज हमारे घर कौन आया है, हमारे घर मेहमान आया है। तो ये कौन है आप लोग कमेंट करके पहले बताइएगा, और कमेंट करके क्या बताओगे तो पहले आपको हम ही बता देते हैं। ये उल्लू है, पकड़ के रखना तेजी से, ये तो मुझे ही देख रहा है। उधर देख, उधर देख। तो दोस्तों ये उल्लू है, इसको हमारा प्रिंस गया था खेलने बंधा पर, और वहाँ पर बेर खाने गया था, और वहाँ पर देख रहा था कि कौवे इसे झपट रहे थे, खा रहे थे इसको, और इसको चोट लगी पड़ी है दोस्तों। और चोट दिखाओ कहाँ पर लगी पड़ी है। तो देखिए दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और ये उड़ नहीं पा रहा था दोस्तों। ये है उल्लू, ओ ओ ओ आओ फॉर उल्लू, और जो पढ़ते हैं ना बच्चे वही उल्लू है। और देखिए आपको पता है कि उल्लू को रात को दिखाई नहीं देता है, और देखिए दिन में तो नज़र आता है, लेकिन रात को नज़र नहीं आता है इन सबको। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आराम से बैठी है। देखिए दोस्तों उड़ने को कोशिश करती है लेकिन उड़ नहीं पा रही है दोस्तों। उड़ती तो क्यों इसे कौए इसे पीछा करते, क्यों इसे काटने दौड़ते। और देखिए बेचारी कितनी शांत से पड़ी है। और प्रिंस जा रहा है दवाई लगाने। तो दोस्तों प्रिंस दवाई कहाँ है? प्रिंस दवाई लगाओ फिर उधर से। उल्लू अबे कुकर आई जाए, कुकर दवाई लगावे जा, तो दवाई 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 लगा दियो। अरे चोट लागे कौवा खाए डारिने का। अरे यार ये उल्लू हुआ, उल्लू। तो दोस्तों देख सकते हैं बच्चों की भीड़ लग गई है, इधर देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है बच्चों की। सारे बच्चे आए हैं देखने के लिए, और देखिए हमारे शिवम भी है पास में। तो दोस्तों अब दवाई लगाया जा रहा है इसके जख्मों पर, प्रिंस दवाई लगा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। कितना ज्यादा जख्म है, कैसे लगा, मतलब भीड़ लग रहा है। कौवा एक खाए लिए रही, उड़ना बहुत बका नहीं पहले अपन देखा थे, कितना प्यारा लग रहा है। वो लोग पठे पापा बाती बिलो तो यहां आ गए बटवा रहे हैं लगाए तो बस रात हो गई। बस दवाई हां वो कीड़ा वाला दवाई हो, मतलब नहीं कीड़ा उड़ा नहीं पड़ी वो लोग के पठे। तो दोस्तों दवाई लग चुका है उल्लू को। अरे देखो भागे ना यार, लाग गया का एक जून भर गया, मिस्त्री आओ। अब्बा पागल है, इतना भीड़ लागो बच्चन के देखा थे एक उल्लू के पीछे, कह रही लकड़ी का बहर खाए वहीं पकड़ लाई ने, उड़ ना ही पाओ। तो एक कुल कौवे खाए डारी ने, दवाई लगाई उसी के में भीड़ गए हैं, घुल गए हैं उसी में, अब उसी को लेकर खेल रहे हैं। और दोस्तों हम खाना छोड़कर आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रहे थे। तो देखिए अभी हमारा चावल हो चुका है, अभी कढ़ाई में सब्जी नहीं लग तड़का नहीं डाला है, और अभी चलते हैं तड़का लगा लेते हैं सब्जी के लिए। और दोस्तों लाइट चली गई, अंधेरा सा हो गया है। कहाँ छोड़े जाइए ये, दोस्तों ये भाग रहा है, देख सकते हैं आप लोग ये उल्लू भाग रहा है, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा है, नहीं तो हम छोड़ देते ये उड़ के जाए तब ना। दोस्तों देख सकते हैं, कोशिश कर छोड़ उड़ जाए ना, बताओ कहाँ छोड़े है ये, कहाँ अभी उड़ ही नहीं पावत बा। अब एका लेके सब खड़ा बा। तो चलिए चलते हैं, हम खाना बना लेते हैं दोस्तों, इनके चक्कर में लेट हो जाएगा। अभी तो मैं चौंक गई थी, चूल्हे के पास उड़ के चला आया था दोस्तों, और इस वजह से मैं दौड़ के गई। कहाँ छोड़े जाएगा,
कहाँ छोड़े जावे। लकड़िया काटा बजा प्रिंस पापा उठा ला। थोड़ा सा काटे ना हगास लाग तो वो तो लकड़िया लाए हो कि नहीं। चलो पट्ठे बस बाटे पापा जाते नहीं बाटे तो जाओ साइकिल से उठा लाओ तब का पापा जाए। चलो काट के उठा लाओ मार जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा लकड़ी भी काट रहा था वहाँ पर तो उसे छोड़ के चला आया है और ये उल्लू को उल्लू मिला तो उल्लू को लेकर घर चला आया है। उसके जख्मों को पर दवाई ववाई लगाने के लिए। हमारा प्रिंस दिल का बहुत कमजोर है, किसी को दुख में देख नहीं सकता तो उसे उठा के ले आया दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। छोड़ने जा रहा है उल्लू को, जाओ छोड़ जाओ।